परेशान है, तो कहाँ चली गई अनीता जी? अनीता जी एक्चुअली वो भूतनी बन गई हैं, और ये बड़ी मज़ेदार एक हॉरर स्टोरी है जी। तो वो जो है कब्रिस्तानों के चक्कर लगाएंगी, वहाँ घूमेंगी, फिर तिवारी को पटाएंगी, फिर ये कुल मिलाकर मतलब इंसान और भूतों के बीच की कहानी है, जिसमें सारी कहानी कब्रिस्तान, घर घर कब्रिस्तान, इस तरीके की उसमें बीतेंगी। तो आप भाभी जी को बताती हैं कि आप छोड़ने गए थे शमशान घाट, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो हमें रास्ते में मिली थी जी। और हमने कहा भाभी जी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो कुछ नहीं बोली, बस गाड़ी में बैठ गई पीछे। फिर कहा दाएं चलो, बाएं चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, रुको। तो हम रुके तो उन्होंने कहा आप दरवाज़ा खोलो। हमने दरवाज़ा खोला तो तुरंत कब्रिस्तान के गेट पर गई तो कब्रिस्तान का दरवाज़ा ऐसे करके खुल गया और वो जो अंदर एंटर हो गई, और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गई हैं, अब उनकी ढूंढम ढूंढाई चल रही है। आप गए क्यों नहीं उनके पीछे पीछे? नहीं, हम तिवारी तो मार डरपोक आदमी जाएगा, वहाँ कोई भूत चप्पल से मारे तो। जी जी। रियल लाइफ की बात करें तो आप क्या सच में भूतों से डरते हो या बिलीव करते हो कि नहीं, उसके बारे में क्या आपकी राय है? मेरे साथ कभी ऐसा हादसा तो कोई हुआ नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि मैं भूतों से नफरत करता हूँ या कुछ भी, कुछ समझ में नहीं आता। बट शायद हो सकता है कोई ऐसी हवाएं होती होंगी शायद, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ रूहें जो हैं वो अनसेटिस्फाइड रूह होती है, वो शायद भटकती है जब तक उन्हें मुकाम नहीं मिल जाता। लेकिन ये सब किस्से कहानियों वाली बातें हैं, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते।